दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। एपीओ बनना हुआ बहुत आसान, आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, एपीओ बनना बहुत ही सौभाग्य की बात है। एपीओ बनने पर हताश, निराश, कमज़ोर, असहाय, गरीब व बेगुनाहों की मदद करने का सौभाग्य मिलता है, अवसर मिलता है। तो यह वीडियो खासकर उन मित्रों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है जो कानून के छात्र हैं, अधिवक्ता हैं और एपीओ बनना चाहते हैं, एपीओ बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में कई तरह के एपीओ को लेके क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं कि एपीओ क्या होता है, एपीओ कैसे बने, एपीओ बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है और उम्र की समय सीमा क्या है, एपीओ बनने की चयन प्रक्रिया क्या है। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखें। एपीओ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बहुत ही सहजता के साथ समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एपीओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक अभियोजन अधिकारी। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो एपीओ सरकारी वकील होता है जो कि सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। दोस्तों, भारत में न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालयों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला एवं सत्र न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत में होता है, और दूसरा उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, यह राज्य स्तर का न्यायालय होता है, इसका क्षेत्राधिकार पूरे राज्य में होता है, और तीसरा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय जो कि इसका क्षेत्राधिकार पूरे जिले में होता है, यह न्यायालय प्रत्येक जिलों में होते हैं। तो सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए इन न्यायालयों में एक अधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो पक्ष प्रस्तुत करता है उसको महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अगर हम उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में महाधिवक्ता होता है AG, एडवोकेट जनरल, जो कि राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और सरकार की तरफ से न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है। इसी तरीके से यदि हम जिला एवं सत्र न्यायालय की बात करें तो जिला एवं सत्र न्यायालय में सरकार का पक्ष एपीओ के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी कि सहायक अभियोजन अधिकारी, जो जिले का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता की बात करें, तो एपीओ बनने के लिए आपके पास विधि की यानी कि LLB की डिग्री होना आवश्यक है और उसके बाद समय समय पर सरकार द्वारा इसकी वैकेंसी निकलती हैं। यदि आपके पास कानून की डिग्री अर्थात LLB की डिग्री है तो आप एपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम उम्र की बात करें तो इसमें 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र होनी आवश्यक है। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है और उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है और उसके बाद साक्षात्कार होता है, जिसके आधार पर एपीओ का चयन किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह रोचक और इम्पॉर्टेंट जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ। विनम्रता के साथ धन्यवाद। मैं आपका मित्र प्रदीप गो एडवोकेट, यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से। यदि आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। कानून से जुड़ी किसी भी टॉपिक पर आप कोई वीडियो पाना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या कुछ मित्र
फ़ोन कॉल के जरिए हमसे पर्सनली विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, वहाँ से हमसे समय ले सकते हैं।